लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से इंतजार अब खत्म हो गया है। पार्टी ने आज अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जदयू ने रविवार को उम्मीदवारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इसमें कई पुराने नाम भी हैं तो कुछ नए लोगों को भी जेडीयू ने मौका दिया है। जदयू ने इस बार अपने 12 मौजूदा सांसदों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। सिवान सीट से पार्टी ने विजया लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने इस बार अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पर बड़ा दांव खेला है। 16 उम्मीदवारों में सर्वाधिक 11 प्रत्याशी इन्हीं दो वर्गों से हैं। इसमें 6 पिछड़ा और 5 अति पिछड़ा है। इसके अतिरिक्त 3 सवर्ण और 1 महादलित तथा 1 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया है। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुमार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सिवान से विजया लक्ष्मी, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद, शिवहर से लवली आनंद शामिल है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा पहले ही कर दिया था। इसमें बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीट, जीतन राम मांझे के हम पार्टी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट की सहमति बनी थी। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई थी, जिसमें से आज जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस बार के सीटिंग सीट में सिर्फ 1 सीट में बदलाव किए गए हैं। सिवान सीट से कविता देवी का टिकट कट चुका है। इस सीट से विजया लक्ष्मी को टिकट मिला है।